everyone. Assalamu alaikum. Welcome back to new vlog. तो आज मैं ड्राइविंग का शूट नहीं कर पाई वो इसलिए कि जो है ना मैं उसको नहीं कह पाई थी कि जो है ना मेरा शूट करे, क्योंकि ड्राइविंग सीखना कोई आसान नहीं है. तो मैं सीख रही थी और मैंने सीख लिया है. तो एक घंटे की क्लास ले ली है. मैं बैक जा रही हूँ. जैसे सिग्नल ओपन होता है तो मैं घर की तरफ जा रही हूँ, क्योंकि मैंने घर जाना है और मेरी ड्राइविंग क्लास आ गई. जा रही हूँ घर की तरफ क्योंकि सिग्नल भी खुल गया है. तो आज गर्मी है जिसकी वजह से मैंने सिर्फ लेदर की जैकेट पहनी हुई है. मैंने जो है ना जैकेट नहीं पहनी वो इसलिए कि बाहर गर्मी हुई है, काफ़ी हवा चल रही है. तो ठंड नहीं है, कल बहुत ज़्यादा ठंड थी. आज से मौसम कुछ बेहतर है और 2-3 दिन वेदर ऐसे ही रहेगा आज का. तो काफ़ी तेज़ धूप निकली हुई है, ये आप देख सकते हैं. और बाहर का जो वेदर है बहुत 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 मज़े का है. तो अब मैं घर जा रही हूँ और घर जा के आई थिंक 2 o'clock हो गया. 1 बजे की मेरी क्लास थी. तो ये बनी है न्यू बिल्डिंग. इसके अपार्टमेंट्स बहुत छोटे छोटे हैं, बट जो इसका एक रूम का जो रेंट है एक अपार्टमेंट का वो ऑलमोस्ट $3,000 $3,500 है. तो काफ़ी एक्सपेंसिव है और वो भी 3 bedrooms का हमारा प्लान था. बट यहाँ का जो है वो अपार्टमेंट्स है वो बहुत छोटे छोटे हैं. तो स्टार्ट तो हो गया बट जो है ना हमने नहीं लिया. तो हम लोग अब इंशाल्लाह अपना ही कर रहे हैं. तो मैं जा रही हूँ. तो ये है हमारा हॉस्टल. जो लोग यहाँ रहते हैं उनको पता है इस जगह का. और यहाँ पे अब चांद रात का मेला भी लगने वाला है, वो भी मैं आपसे अपना चांद रात का मेला भी शेयर करूँगी. और ये न्यू स्टोर खुला है गली की. तो ये हलाल है और जगहों पर है वो हराम है. तो अब मैं जा रही हूँ घर की तरफ. ये कारवल है सामने. यहाँ पे आइसक्रीम्स वगैरह बहुत मज़े की मिलती हैं और बहुत मज़े की हैं. यहाँ पे जितनी भी मैंने आइसक्रीम्स खाई हैं उनसे बहुत बेहतर है यहाँ की आइसक्रीम. तो मैं जा रही हूँ घर. घर जाके वहाँ से मिलती रहा कॉर्नवल. यहाँ से आइसक्रीम केक्स भी मिल जाते हैं, यहाँ से आइसक्रीम्स मिल जाती हैं. और ये बन खोला है, ये अब न्यू सिना बन खोला है, यहाँ पर सिना बन मिलता है. ये सारा हमारा पाकिस्तानी एरिया है और इसका भी मैं आपको कभी टूर कराऊँगी इस जगह का भी सारा. ये सारी फार्मेसियाँ हैं, ये सब पाकिस्तानी फार्मेसी है. ये गोल्ड शॉप है और यहाँ पे ये भी फार्मेसी है. यहाँ पे फार्मेसी बहुत ज़्यादा. और ये बार्बर शॉप है और ये भी ये मनी ट्रांसफ़र है. और ये भी कपड़ों की शॉप और साथ में ये भी गोल्ड की शॉप है. और आज बंद है क्योंकि ट्यूसडे को ये बंद रहती है. और ये भी जो है ना वो फार्मेसी है. तो हम फोन करें घर की तरफ. और ये रही मेरी आज की लुक, क्योंकि मैं आज ये पहन के गई थी. क्योंकि मैं बाहर जीन्स वगैरह पहन के जाती हूँ, मैं शलवार कमीज़ नहीं पहन के जाती बाहर. तो आपने मुझे देखा ही होगा जब मैं जाती हूँ बाहर जीन्स वगैरह पहन के जाती हूँ. ज़्यादा गोरों कम्बल का जीन्स वगैरह ही पहन के जाई जा सकती है. शलवार कमीज़ अगर हम पहनेंगे तो लाइक अजीब सा लगेगा. तो मैं पेंट शर्ट ही पहन के जाती हूँ. और लेदर की जैकेट पहनी हुई थी, ये लाई थी आंटी पाकिस्तान से. तो इस्लामाबाद से लाई थी क्योंकि यहाँ पर नहीं मिलती. तो मिलती हैं पाकिस्तान से. यहाँ से मैंने एक ली थी तो वो थी रैक्सीन में, वो सही नहीं थी. तो अब मैं जाती हूँ ऊपर और फिर बाकी मिलती हूँ आपसे ऊपर जाके. हाँ जी, तो मैं घर आ चुकी हूँ और मैंने कपड़े भी चेंज अपने कर लिए हैं. उसके बाद अब मैं बनाऊँगी अरबी गोश्त. ये मैं लाई थी जाना 5 अरबियाँ. इसको मैं छील लूँगी, बट पहले मैं उससे पहले मैं पहनूँगी ग्लव्स. उसके बाद मैं इसको छीलूँगी क्योंकि फिर मेरे हाथों में ना खुजली सी होने लग जाती है और काफ़ी देर इचिंग रहती है. और साथ में यहाँ पर मैंने गोश्त निकाल रखा है. तो जैसे थोड़ा सा ये जाना निकाल रखा है, जैसे थोड़ा सा ये नरम होगा, थोड़ा सा मैंने पानी में इसको भिगो रखा है. तो इसको मैं जो है ना चढ़ा दूँगी उसमें हंडिया में. और उसके बाद ये है कि मैं सारा उसको बनाना स्टार्ट कर दूँगी. और ये अरबी है, पहले मैं इसकी ग्लव पहन लूँ, फिर मैं इसको छीलती हूँ और फिर इसको मैं नमक लगा के रख दूँगी. तो यहाँ पर मैंने अरबी काट ली है और उसको 2 हिस्से उसके कर लिए हैं. और मैंने नमक लगा दी है. ग्लव पहन के मैंने किया है क्योंकि फिर मुझे बाद में खुजली काफ़ी देर हाथों में रहती है तो फिर मुझे बहुत उलझन सी होती है. तो फिर मैंने इस तरह से किया. अब मैं इसके प्याज और टमाटर काट लूँगी और मैं साथ में काट लूँगी पकौड़ों के लिए चीज़ें. तो यहाँ पे जब तक गोश्त हो जाएगा और फिर मैं इनको जो है ना गोश्त को पहले मैं जो है ना रख दूँगी पकने के लिए और फिर मैं नई हो जाएगी गोश्त की और फिर मैं इसको डाल दूँगी. उसके बाद ये है कि जो है ना मैं साथ में टक कर लेती हूँ पकौड़ों का सामान रेडी. पकौड़ों का सामान रेडी करने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या आज बना रही हूँ. तो मैंने यहाँ पे अपनी फ्रूट चाट भी बना ली है, केले भी डाल दिए हैं. मैंने 2 केले डाले, 1 सेब डाले और स्ट्रॉबेरी कुछ डाले, थोड़े से ग्रेप्स डाले हैं. और यहाँ पे मैंने अपनी बनाई है, इसमें 1 केला डाला है, 3 स्ट्रॉबेरी डाली है और थोड़ी सी खजूर डाली है.
यहाँ मैंने पकौड़ों का सामान भी बना रखा है और अब बस मैंने ये चढ़ा दिया है। अब ऐसे ये होगा तो मैं अरवी डाल दूँगी। और यहाँ पे पकौड़ों में ये है कि मैंने एक आलू लिया, दो प्याज लिए हैं, हलापेनो लिया क्योंकि हलापेनो फीकी होती है, नमकीन होती है, तो मैंने वो लिया क्योंकि बड़े मज़े के बनते हैं। अभी मैं थोड़ा सा धनिया डालूँगी और इन टाइम पर मैं इसमें बेसन ऐड करूँगी। तो ये मेरी चीज़ें बन चुकी हैं, तो अब मैं इन चीज़ों को रख के फ्रिज में और फिर कोई और काम करूँगी। चलाओ चलाओ चलाओ, सीधा सीधा। आराम आराम से, सीधा सीधा, इधर इधर, सीधा 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 सीधे सीधे चलो, सीधे सीधे सामने देख के, सामने देख के चलो, सामने देख के पाँव मारो। गुड जॉब। उधर उसमें तो यहाँ पे गोश्त बिल्कुल गल चुका है, सॉफ्ट हो गया है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसकी भुनाई करूँगी ताकि जो इसके प्याज और टमाटर है ना वो एक जाम हो जाए। तो मैं इसके अच्छे से भुनाई करूँगी ताकि इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए और इसकी जो है इसका ऑयल निकले। और उसके बाद यहाँ से मैंने जो है ना मैंगो काट रखे हैं, जो मैंने आपको पिछले ब्लॉग में दिखाया था, मैंगोज लाई थी तो वो थोड़े से कच्चे थे तो सॉफ्ट हो गए हैं अब, और जो मीठे भी हो गए हैं। तो अब मैंने बनाना है शेक, इसका तारी में हम इसका शेक पियेंगे। मैं तो नहीं पीऊँगी, मैं अपनी बनाऊँगी स्मूदी और ये बाकी सबके लिए शेक बनाऊँगी। उसके बाद जो मैंने इसको नमक लगा रखा था मैं इसको वॉश कर लूँगी। और यहाँ से मैं इसकी अच्छे से पहले भुनाई कर लेती हूँ क्योंकि इसकी भुनाई अच्छी सी, जितनी अच्छी आपकी भुनाई होगी ना उसका मज़े का आपका सालन बनेगा। तो मैं इसकी अच्छे से भुनाई कर लूँगी और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये जल गया था मेरा 2 दिन पहले बाजू, तो ये आप देख सकते हैं क्योंकि मैंने क्या गलती की थी कि ऑयल जो है ना मेरे उस पर गिर गया था। मैं समोसे वगैरह बना रही थी तो ऑयल सारी छींटे मेरे ऊपर आ गई थी, तो यहाँ बाजू ऊपर तक जो है ना मेरा जल गया था, तो ये छाले पड़ गए थे। तो ये कुछ आज बेहतर है, तो अभी भी जब भी मैं चूल्हे के सामने आऊँ तो थोड़ा सा मुझे जलन सी होती है, तो क्रीम वगैरह तो लगा रही हूँ मैं, ऑइंटमेंट, तो आज काफ़ी बेहतर है मेरे। तो मैंने इसके अच्छे से भुनाई कर लिया, मैंने डाल दिया इसका 1 चम्मच दही क्योंकि मुझे हांडी में दही बहुत पसंद है भुनाई के टाइम, उससे ये है कि बड़े मज़े का टेस्ट आता है। तो जो है ना मैं ये डाल दिया, मैंने 1 चम्मच दही डाल दिया इसमें। अब मैं इसको भूनूंगी अच्छे से, जब दही बिल्कुल इसके भुनाई में सही हो जाएगी तो फिर मैं इसमें डालूंगी अरवी, उसको भून के और फिर मैं इसके अंदर पानी डाल दूँगी और फिर इसको छोड़ दूँगी। और एंड में इसमें डालूँगी मैं कसूरी मेथी क्योंकि मुझे नहीं पता था, क्योंकि शादी से पहले जो है ना हमारे घर में तो कसूरी मेथी वगैरह नहीं डाल जाती, तो मेरे ससुराल साइड पर यह है कि कसूरी मेथी ऊपर एंड में डालेंगे थोड़ी सी, और लेमन, और जो है ना लेमन मस्त डालते हैं जब खाना हम खाने लगेंगे तो उसके ऊपर लेमन मस्त निचोड़ते हैं, यहाँ पे हमारे ससुराल में ऐसे ही खाते हैं। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग की फैमिली में किस तरह से अरवी बनती है और किस तरह से आप लोग भी लेमन डालते हैं या नहीं डालते। तो हमारे मेरे ससुराल में तो डालते हैं लेमन क्योंकि वो कहते हैं कि अरवी की जान होती है लेमन। तो अब मैं इसकी अच्छे से बुनाई कर लूँगी और फिर मैं उसका बाकी बात भी बताती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पानी इसमें डाल दिया है और मैं इसको कर दूँगी हल्की आंच पे, छोड़ दूँगी। जब ये अरवी थोड़ी सी गल जाएगी, थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी, तो फिर मैं इसको कसूरी मेथी डाल के इसका चूल्हा बंद कर दूँगी। तो ये मैंने हल्की आँच कर दी है, उसके पीछे कर दिया मैंने इसे ताकि आगे और काम हो जाएगा। ये मैंने रख दिया और अब ये बन जाएगी आराम से क्योंकि सिर्फ इससे सॉफ्ट होनी है, गोश्त तो सॉफ्ट हो चुका है। तो अब इस अरवी ने सॉफ्ट होने, जब ये हो जाएगा तो मैं इसको कसूरी मेथी डाल के इसको बंद कर दूँगी, डर हो जाएगी। बाहर का वेदर आप देख ही सकते हैं कितना मज़े का वेदर है, इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है, ठंडी तो नहीं खैर नॉर्मल सी हवा है क्योंकि आज पूरा दिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी। यहाँ पे तो गर्मियाँ अभी कोई दूर दूर तक तो कोई पता ही नहीं गर्मियों का, क्योंकि यहाँ गर्मियाँ आएंगी तकरीबन जुलाई के भी एंड में जाके गर्मी आएगी, तो मे भी हमारी जो बकरा ईद है वो हमारी जाना उसमें गुजर जाएगी, ठंड में तो गुजर ही जाएगी। मौसम अच्छा है, अच्छी बात है कि जाना नहीं तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे गर्मी बेहद पे इंतहा यहाँ पे गर्मी पड़ती है, जिसकी वजह से हमें या तो बीच पे जाना पड़ता है या हम लोग 24 घंटे एसी हमारा बंद नहीं होता क्योंकि यहाँ पे या तो सर्दी भी बहुत पड़ती है और गर्मी भी इंतहा के पर। बट ये है सर्दी यहाँ पे ज़्यादा पड़ती है, गर्मी यहाँ पे लाइक 1 to 2 months यहाँ पे गर्मी पड़ती है तो बर्दाश्त हो सकती है क्योंकि एसी चले रहते हैं, बाहर हम लोग बहुत कम ही निकलते हैं गर्मी में। अगर मौसम थोड़ा सा बेहतर होता है, शाम होती है या कुछ होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बीच पर चले जाते हैं, मिन्हा को भी वहाँ पर ले जाते हैं क्योंकि मिन्हा ये होती है कि मिन्हा वहाँ पर थोड़ा सा जाके इन्जॉय कर लेती है। तो आज इस दफ़ा हमारे काफ़ी प्लान्स हैं कि गर्मियों में हमने मिना को प्लेलैंड भी लेके जाना, मिना को हमने बीच वगैरह पे भी लेके जाना क्योंकि मिना बड़ी हो गई है। तो मिना यही कहती है कि मुझे बाहर आउटिंग कराओ या जो है ना बाहर, ज़्यादा बच्चे हैं बच्चों को बाहर ले जाना मस्ट होता है। यहाँ पे मैं निकाल कर रखा है आधा चुकंदर, आधा खीरा और थोड़ा सा पुदीना, इसके मैं बनाऊँगी स्मूदी और एंड में डालूँगी थोड़ा सा लेमन। तो पहले मैं इसको बनाऊँगी फिर मैं बनाऊँगी इसको। तो अभी काफ़ी टाइम है तो अभी मैं जाकर थोड़ी देर बैठती हूँ
थोड़ा सा फ्रेश होती हूँ, थोड़ी देर बैठती हूँ, फिर मैं बाकी का काम करूँगी। यहाँ पे मैंने किया हुआ है हल्की आँच पे, तो ये हो रहा है, तो जैसे जब ये सॉफ्ट हो जाएगा तो फिर मैं इसको बंद कर दूँगी। मैंने निकाला है बड़े गोल बड़ा का कीमा, बड़े का तो बीफ का कीमा मैंने निकाला है यहाँ पे, क्योंकि मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि उन्होंने पफ पेस्ट्रीज खानी है, तो उनका पफ पेस्ट्रीज का दिला मैंने लाई थी पफ पेस्ट्री की जो ना डो लाई थी, तो अब मैं क्या करूँगी कि इसको मैं निकाल कर रखा ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। जब ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा फिर मैं इसका आधा लेके, बल्कि आधा से भी थोड़ा लेके मैं इसका बैटर बना के फिर मैं पफ पेस्ट्री बनाऊँ। तो आज का व्लॉग था मेरा यहीं तक, तो जिसको जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जाके जल्दी से मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, और मेरे आने वाले हर जो है ना व्लॉग को देखा करें, उसको बहुत सारा प्यार दिया करें। आप लोगों के प्यार की मुझे बेहद ज़रूरत है, तो आप लोग मुझे ज़रूर प्यार दिया करें, और मिलेंगे कल एक नए व्लॉग, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।